नमस्कार। आज हम संधि विच्छेद के विषय में जानेंगे। संधि विच्छेद अर्थात पदों को मूल रूप में पृथक करना। जिस प्रकार संधि में दो पदों को जोड़ा जाता है, उसी प्रकार संधि विच्छेद में दो पदों को मूल रूप में पृथक किया जाता है। तो सर्वप्रथम दीर्घ संधि के विषय में बात करते हैं। दीर्घ संधि में आपने जाना अ या आ के साथ अ या आ का योग करने पर आ हो जाता है, ई या ई के साथ ई या ई का योग करने पर ई हो जाता है, उ या ऊ के साथ उ या ऊ का योग करने पर ऊ हो जाता है, और री या री के साथ री या री का योग करने पर री हो जाता है। तो आज हम इन्हीं नियमों द्वारा संधि विच्छेद के विषय में जानेंगे। उदाहरण देखें, हिमालय। सर्वप्रथम हिमालय शब्द के मध्य स्वर को जान लें। हिमालय शब्द के मध्य आ स्वर है। आ के लिए नियम है अ या अ के साथ अ या आ का योग, अतः हम इसी नियम का प्रयोग करेंगे। अब हिमालय शब्द से आ स्वर निकालकर पूर्व शब्दांश लिखें। हिमालय शब्द से आ स्वर निकाला और पूर्व शब्दांश बचा हिम, क्योंकि मां से आ स्वर को पृथक किया गया, अतः म स्वर रहित होगा। इसी प्रकार आ के बाद शेष बचा लय। अब अपने विवेक से जानें कि हिम के साथ अ का प्रयोग होगा अथवा आ का। तो हिम के साथ अ का प्रयोग होगा। इसी प्रकार अपने विवेक से जानें कि लय से पूर्व अ का प्रयोग होगा अथवा आ का। तो लय से पूर्व आ का प्रयोग होगा। हिम के साथ अ का योग करने पर हो गया हिम, और लय से पूर्व आ का योग करने पर हो गया आलय। यह हो गया हिम धन आलय। दूसरा उदाहरण देखें, मुनीश। सर्वप्रथम मुनीश शब्द के मध्य स्वर को जान लें। मुनीश शब्द के मध्य स्वर है ई। ई के लिए नियम है ई या ई के साथ ई या ई का योग। तो यहां हम इसी नियम का प्रयोग करेंगे। मुनीश शब्द से ई स्वर निकालकर पूर्व शब्दांश लिखें। तो मुनीश से ई स्वर निकाला गया और पूर्व शब्दांश बचा मुन, क्योंकि नी से ई स्वर को पृथक किया गया, अतः न स्वर रहित होगा, और ई के बाद शेष बचा श। अब अपने विवेक से जानें कि मुन के साथ ई का प्रयोग होगा अथवा ई का। तो मुन के साथ ई का प्रयोग होगा। इसी प्रकार अपने विवेक से जानें कि श से पूर्व ई का प्रयोग होगा अथवा ई का। तो श से पूर्व ई का प्रयोग होगा। तो मुन के साथ ई का योग करने पर होगा मुनि, और श से पूर्व ई का योग करने पर होगा ईश। यह हो गया मुनि धन ईश। अन्य उदाहरण देखें, लघुर्मी। सर्वप्रथम लघुर्मी शब्द के मध्य स्वर को जान लें। लघुर्मी शब्द के मध्य स्वर है ऊ। ऊ के लिए नियम है ऊ या ऊ के साथ ऊ या ऊ का योग, अतः हम यहां इसी नियम का प्रयोग करेंगे। अब लघुर्मी शब्द से ऊ स्वर को पृथक करें और ऊ से पूर्व शब्दांश को लिखें। तो यहां ऊ स्वर को निकाला गया और शेष शब्दांश बचा लघ। इसी प्रकार ऊ के बाद बचे शब्दांश को लिखें। ऊ के बाद शब्दांश बचा रमी।
अब अपने विवेक से जाने कि लघ के साथ उ का प्रयोग होगा अथवा ऊ का, तो लघ के साथ ऊ का प्रयोग होगा। इसी प्रकार अपने विवेक से जाने कि रिमी से पूर्व ऊ का प्रयोग होगा अथवा ऊ का, तो रिमी से पूर्व ऊ का प्रयोग होगा। लघ के साथ ऊ का योग करने पर होगा लघु, और रिमी से पूर्व ऊ का योग करने पर होगा ऊर्मी। यह हो गया लघु धन ऊर्मी। एक अन्य उदाहरण देखें, पितृण। सर्वप्रथम पितृण शब्द के मध्य स्वर को जान लें। पितृण शब्द के मध्य स्वर है री। री के लिए नियम है री या री के साथ री या री का योग। अब पितृण शब्द से री स्वर को पृथक करें और पूर्व शब्दांश को लिखें। यह री स्वर को पृथक किया गया और पूर्व शब्दांश बचा पित, क्योंकि त्री से री स्वर पृथक किया गया अतः त स्वर रहित होगा। इसी प्रकार री के बाद बचा ण। अब अपने विवेक से जानें कि पित शब्द के साथ री का प्रयोग होगा अथवा री का, तो पित के साथ री का प्रयोग होगा। इसी प्रकार अपने विवेक से जाने कि अण से पूर्व री का प्रयोग होगा अथवा री का, तो अण से पूर्व री का प्रयोग होगा। पित के साथ री का योग करने पर होगा पितरी, और अण से पूर्व री का योग करने पर होगा ऋण। तो यह हो गया पितृधन ऋण।